यूपी पुलिस ने गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को दिए गए कथित नफरत भरे भाषण के लिए यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस उपनिरीक्षक त्रिवेदी सिंह की शिकायत के आधार पर VNS की धारा 302 यानी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिहानी गेट थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर सचिन कुमार ने कहा कि हमने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कथित नफरत भरे भाषण के एक वीडियो का संज्ञान लिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कथित वीडियो की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यह भाषण कथित तौर पर मेजर आसाराम व्याज्ञ सेवा संस्थान द्वारा दासना मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। उस दौरान ऐसा क्या बोले थे यति नरसिम्हानंद कि ये बवाल हो रहा है, सुनिए उनका भाषण। प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ महाकाल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया को रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसका कारण करना है सर। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बराबर हो। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज संगठित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसको लेकर FIR भी दर्ज की गई है। अब मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन करने पर कथित रूप से उनके चेले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूँ। मेरे साथ है रणसिंह आनंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूप आनंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरिजी महाराज का पुतला फूंकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना, यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो, हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थी यति नरसिम्हानंद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।